हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया सोनिया 5507 या सोनिया सोनिया सोर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कमेंट बहुत आए पड़े और माफी चाहती हूँ क्योंकि ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि घर में थोड़ी दिक्कतबाजी चल रही है और आज छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि कमेंट इतने हैं तो एक तो ब्लॉग छोटा सा बनता ही है। और चलते हैं, लेट्स गो। पहला जो कमेंट है, मैं नेगेटिव से स्टार्ट करना चाहती हूँ। नेगेटिव कमेंट है, कपड़े तो देख लो, मेरे कपड़े ठीक है, पहले आप अपनी नज़र देख लें। और मेरे कपड़े हमेशा अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई बुरे होते हैं, पर कोई बात नहीं है, छोटे कपड़े पहनते हैं, इतने छोटे नहीं हैं कि जितनी आपकी सोच छोटी है। सब हिसाब से सबको पता, सबके घर में भाई हैं, बहन हैं, बेटी हैं सबके, बट एक जो आपके बीच में, सब लोगों के बीच में जो काम कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी छूट होनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। क्योंकि उन भाई देखो, अब मेरे किसी चीज़ से काम नहीं चलने वाला क्योंकि मेरे इतनी वीडियोज काम कर रही है, नाम बदनाम सहन कर रही है, तो थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे चल सकता है। थैंक यू अब्दुल जी, आगे मैं आपसे गुजारिश चाहूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप नेगेटिव सोचें ना। थैंक यू। शीला सिंह 5037 नई सब्सक्राइबर है नोएडा से, काफी भावुक हो रही हैं और बोल रही हैं, दीदी मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मेरी जो प्रोफाइल है, मैंने उसके नीचे सारा डिस्क्रिप्शन, अपना एड्रेस वगैरह सब चीज डाली हुई है हिंदी में, आप पढ़ के देख सकते हो। जब दिल करे आप फरीदाबाद मिलने आओ। और थैंक यू सो मच, आपने जो बोला है कि दीदी मुझे आप जैसा डांस नहीं होता, देखो हम किसी के जैसा नहीं कर सकते, हम कुछ अलग कर सकते हैं, हमें किसी के जैसा क्यों करना, तो हमें कुछ अलग करना, अपने लिए करना है। और थैंक यू शीला, मैं आपका वेट करूंगी, आप जल्दी फरीदाबाद आए और मिलके जाएं। प्रवीण कुमार, बहुत अच्छा रोमांटिक कमेंट है और मुझे शर्म आ गई है, हर गाने पर जन्नत सी सजा देती हो, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। और मैं तो थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा और थैंक यू, आपको लव यू, अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत थैंक यू सो मच। शब्द ही भूल चुकी हूँ, मुझे क्या कहना है। परसों रात हस्बैंड के साथ वीडियो बनाई थी, हरीश का नेगेटिव कमेंट है, तुम्हें कोई बढ़िया बढ़िया डायलॉग सुनाता है तो तुम्हें पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, ना पैसे पड़े मिलते हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, और ये कोई कूड़ा करकट नहीं है जो आपको गली गिरारे में पड़ा मिल जाएगा और आप उसे उठा लोगे। तो ये आप अपनी थॉट थोड़ा अलग रखें, क्योंकि है ना, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में सब लोग बता देंगे कि हमें अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और रही उसकी बात, कुछ तुम जैसे लोग होते हैं जो उंगल करते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, बट आपके शब्दों के बराबर कोई कमजोर नहीं है। आपने बोल दिया कोई हर्ट हो गया और साइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो आप आदमी धूप में तप रहा है, जो खून पसीना एक कर रहा है और दो दो तीन तीन बंदे लगे हुए हैं, वो आपके दो शब्दों से नहीं रुकने वाले। आप अपना माइंड सही रखें, माइंडेड। एक लाइन और कहूंगी, पैसों से जरूरतें जिंदगी काटी जा सकती है मगर अच्छा हम सफर नहीं मिल सकता। इतना केयरिंग, इतना लविंग, इतना ध्यान रखने वाला, ये चीजें होती हैं। हर चीज देखो जो है, चीज है, पैसों से हम जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें कुछ एक सुकून जो होता है ना, वो हमें एक दूसरे से मिलता है, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। तो पैसे को महत्व जिंदगी में ज्यादा ना दें। हाँ ठीक है भाई, कहते नहीं पैसा कुछ भी नहीं, भगवान से कम नहीं है, पर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, हमें संतोष कैसे मिलेगा, वो भी चीज जरूरी है। तो थैंक यू। नेगेटिव कमेंट है महेश कुमार, पागलों की तरह डांस करती हो, पागल खाने में एडमिट करवाओ, और कुछ भी कर देती हो लाइक कमेंट के लिए। हाँ मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ लाइक कमेंट के लिए, क्योंकि मेरे पास तो वो ग्राफ है ही नहीं, मैं मेहनत करती नहीं, मैं फूकती नहीं धूप में, मेरे पैर कटते नहीं है, और देखना मेरे पैरों में इतनी चोटें लग जाती हैं, जो ये देखना, ये देखो कितने घाव हुए पड़े हैं, ये मुझे यूं ही मिल जाती है लाइक कमेंट, यूं ही मिल जाती है, यूं ही पैसे कमा लेती हूँ।
और मुझे कुछ शर्म तो आती नहीं है, अब पता चलेगा ना, आप जरा 10 कदम चल के देखो ना, उसका सोचते होंगे ना बिस्तर में ही चाय पानी नाश्ता मिल जाए, तो ये थॉट है ना महेश कुमार जी आपके होगी, मुझे आराम का कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे पास मेरा अपना कंटेंट है डांस का और ब्लॉग मेरा कमेंट का ही है, तुम जैसों को खींच के पकड़ के बांधने का, तो ये तो मैं शब्द यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर आप फेस टू फेस भी मिलना चाहते हो जब दिल करे डिस्क्रिप्शन में मेरी लाइन देख सकते हो, एड्रेस देख सकते हो, आ जाओ घर और मुंह भी लगा लो, तुम कितना मुंह लग सकते हो, बातों से ही तुम्हें इतना जलील करूंगी ना जिसका हिसाब कोई ठीक नहीं है। ऋतिक यादव 43-95 नेगेटिव कमेंट है, अपने आप को हीरोइन समझती है, क्यों हीरोइन के ज्यादा पंखों में। अब एक मेरी छोटी सी बात बोलूंगी जल्दी सी, उर्फी जावेद है बिचारी को कपड़ों के प्रति या किसी के प्रति ट्रोल करा जाता है, अब तमन्ना है, तमन्ना ने गाना बनाया आज की रात हुस्न का, उसने तो यहाँ तक टांग दिखा रखी है, है? अंडरगारमेंट्स के बराबर उसने कपड़े पहन रखे हैं, भाई वो हीरोइन है, वो रोल मॉडल है, वो तमन्ना है, वो उर्फी जावेद है, कैसे लोग हो तुम है भाई, अपने अपने थॉट है, जो जिंदगी में खुद लड़के आगे खड़ा होता है ना उसको ट्रोल किया जाता है, और जो यूं ही मिल जाती है ना कुछ चीजें यूं ही कमा लेते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जामिल अंसारी ध्यान से सुनना, क्या एक्टिंग की है, क्या काम किया है, क्या सुपर डुपर डांस, थैंक यू सो मच, अभी तो खिंचाई हो रही थी नेगेटिव कमेंट में, अब इतने पॉजिटिव आ गया, थैंक यू सो मच आपको, लव यू दोस्त। लक्ष्मण बहुत खूबसूरत डांस है भाभी जी, बहुत अच्छा करती हो, बहुत अच्छा लगता है, और भाई बहुत अच्छी बात है आपने तारीफ की, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन डाला, थैंक यू सो मच, मेहनत है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को खास लगता है, किसी को बकवास लगते हैं, तो थैंक यू सो मच आपको, और आपने इतनी अच्छी बात बोली। दूसरा कमेंट अभी साथ के साथ बताऊंगी, सोनिया उम्र भी नहीं देखते, चलो कोई बात नहीं, नहीं देखी उम्र कोई बात नहीं, हो गया है डांस या कुछ भी है कर रहे हैं लोग बाग, आप में तो काफी अच्छे संस्कार है, आप तो बहुत अच्छा बोल रही हो, हैं आप तो औरत होगी भी औरत पे वो कर रही हो, अरे भैया हद है यार, तो थैंक यू दोस्तों, ये दुनिया कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। सब्सक्राइबर के जो व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं उनकी आईडी पे नाम नहीं है, बट उन्होंने बोला सोनिया जी जिंदगी बुलबुला है और कब पता नहीं क्या हो जाए, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, मस्त रहो, दुनिया की बातों पे ना जाओ, बिल्कुल भी नहीं जाती, बट मेरे कमेंट कंटेंट है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, तो मैं अपने ब्लॉग डेली से दूसरे तीसरे दिन डालती रहती हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, थैंक यू सो मच आपको, लव यू, और बहुत अच्छा लगा आपने एक सजेशन किया, समझाया। सुरेंद्र ठाकुर 94-54 शायद उनकी आईडी, सॉरी माफी चाहती हूँ, सुरेंद्र नेगेटिव कमेंट है, तुम जो किराए पे कपड़े लेती हो, मैंने तो आज तक किराए पे कपड़े लिए ही नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास इतने अच्छा इस कलेक्शन है, मेरे पास 3-3, 4-4 अलमारी मेरी भरी पड़ी है, हद है यार क्या लोग सोच लेते हैं, मुझे क्या जरूरत है किराए पे कपड़े लेने की दोस्त, मेरे खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे कपड़े कोई और ले ले, मैं नए और नए कपड़े ले आऊं, तो नेगेटिव कमेंट है और कुछ भी बोल सकते हैं, किराए के कपड़े किराए पे कपड़े मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किराया इतना महंगा भरना पड़ता है, कोई 1000-2000 की ड्रेस क्यों लेगा, इससे अच्छा तो वो अपना खुद ही ड्रेस बनवाएगा और अपनी पर्सनल कर लेगा उसे। नैतिक कुमार 60-39 शायद, अगर नैतिक भूल जाऊंगा आईडी तो माफी चाहती हूँ, क्योंकि काफी नाम ले लिए तो याद नहीं रहता, दिमाग से उतर जाती है बातें, तो इन्होंने बोला है दीदी आज के बाद मैं लाइक और कमेंट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, ये बताओ क्या बात है, क्या नाराजगी है, क्या दिक्कत हुई, देखो मेरी वीडियो देखने से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, और मुझे कुछ वो आप कह सकते हो, बट मुझे भाई आपके सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप नाराज ना हो प्लीज, आपसे बताना मुझे कमेंट में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा बड़ा ब्लॉग बनाया नहीं है मैंने, बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है,
क्योंकि मैं अपनी साइड पे पहुंच गई हूँ, और क्योंकि आज हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि रात भर उन्हें बुखार रहा है, पेट एक साइड से ऐसे लटका हुआ है, बाल तोड़ने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो देख रहे होंगे मेरे फेस पे भी इतनी ज्यादा मुस्कान नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों, और माफी चाहती हूँ, कल जरूर डेफिनेटली दोबारा ब्लॉग डालूंगी।